साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों अभी आपको ये तस्वीरें पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की दिखा रहा हूं। ये अखिल भारतीय भीम सेना की तरफ से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इनकी क्या मांगे हैं, ये किस लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं, वो अपन इनसे बात करेंगे। पूरा मामला इनसे जानेंगे। ये ज्ञापन सौंप रहे, इन्होंने ज्ञापन में लिखा है सोशल मीडिया पर मेघवाल समाज के खिलाफ टिप्पणियां करने को लेकर ये पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो क्या टिप्पणी की है, किसने टिप्पणी की है, वो अपन इनसे जानेंगे। जो ये अखिल भारतीय भीम सेना के जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है, ये सभी आए हैं, तो इनसे पूरा मामला जानते हैं। तो उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा लेता हूं, फिर अपन इनसे बात करते हैं। धन्यवाद सर। किस मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हो आज? आज भीमसेना शाखा बाड़मेर के द्वारा मेघवाल समाज के ऊपर जो सब जो कहे हैं, टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के समाज में रोष है और समाज के लोग जो है ज्ञापन देने आए हैं इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए। इन लोगों में इतनी मतलब जो समाज की जो भावना भड़काने का जो उन्होंने काम किया है, जिसे समाज की भावना आहत हुई है और आए दिन जो है कमजोर लोगों को परेशान करते हैं। कभी कहते हैं हम तुम्हारा देख लेंगे, कभी कहते हैं तुम्हारा हम पकड़ पकड़ के ठोकेंगे, कभी समाज को जो है अपशब्द कहते हैं और कभी जो है घोड़ी से नीचे उतारने का काम करते हैं, उल्टी सीधे की हमेशा काम रहे हैं, इससे जो है समाज आहत है और परेशान है। टिप्पणी क्या की है, किसने की है? टिप्पणी ये की हम लोग तस्कर हैं, तस्करी का सामान लाते हैं, पुलिस भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमने कई लोगों को ठोका है, ठोक दे काम करेंगे, वाह बढ़िया कमेंट की, अच्छे कमेंट की और कमेंट करते रहो, इस प्रकार के कमेंट्स हो रहे हैं। और सामाजिक जो है, मैं आपको क्या बताऊं, समाज के बारे में आप शब्द कहने का काम किया है वो मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और क्यों आए हो? मेरा नाम दीपक बरवड़ है, मैं बालोत्रा के वरिया तकजी का निवासी हूँ, वर्तमान अखिल भारतीय भीमसेना का जिला अध्यक्ष हूँ बाड़मेर से। आज मैं बाड़मेर SP जिला मुख्यालय पे हूँ। हमारी मुख्य मांग ये है कि सोशल मीडिया के जरिए 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मेघवाल समाज को भद्दे शब्दों से अपमानित किया जा रहा है। जिस वीडियो के संबंध में एक हमारे मिशनरी युवा साथी ने जैसलमेर के अंदर रिपोर्ट भी दी थाने में, तो जिसमें मुलजिम की 151 में पुलिस की हिरासत में भी गया। हिरासत में जाने के बाद में पुलिस उसका एक भाई है जो मांगू सिंह नाम करके, उसका एक बड़ा भाई है सुरेंद्र सिंह नाम करके, जिसने इंस्टाग्राम पे लाइव आकर मेघवाल समाज को बुरी तरह से अपमानित किया और मेघवाल समाज को हर जिले में हर जगह एक एक बंदे को पकड़ पकड़ कर पीटने का उसने दावा किया है। और समाज से भी उसने अपील की है कि मेघवाल समाज का कोई भी बंदा आए उसको पीटो। तो मेघवाल समाज को ऐसे शब्दों से अपमानित किया जिसका शब्द मैं मीडिया के माध्यम से पेश नहीं कर सकता हूँ। वो ऑडियो मेरे पास, वीडियो सारे सबूत हैं। मैं आज प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खास करके YouTube चैनल भी बनाते हैं और ऐसे YouTube चैनल के सदस्य बढ़ाने के लिए मैं जाति सूचक शब्दों से किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, जिससे हम आक्रोश में हमारे बाड़मेर जिले के हमारे मेघवाल समाज के हर ब्लॉक के अध्यक्ष भी हम मौजूद हैं, जिनकी सबकी मांग है कि इस दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये अपील करता हूँ, प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि जो YouTube चैनल है उसको बैन किया जाए और इस YouTube के जो एडमिन है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी वीडियो के आधार पर एक कमला चौधरी करके एक है जिसका एक YouTube बना हुआ, उसका करीब 12-13 घंटा पहले एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उसने एक स्पष्ट किया है बयान कि मैं कमला तस्कर मैं वीडियो पेश कर रही हूँ और जो मेरे बारे में फ़ोन वगैरह किसी का भी आ रहा है वगैरह मेघवाल समाज के, वो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं एक तस्कर हूँ और मैं मणिपुर से डोडा खरीदती हूँ, डोडा बेचती हूँ, मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी और ऐसे ही काम करती रहूँगी, मेघवाल है वो हमारे रिकिया हैं, इस तरीके से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरीके से एक अफीम का मतलब एक बिजनेस बताते हुए समाज का शोषण कर रही है, मीडिया पे आकर समाज के मेघवाल समाज का शोषण करवा रही है अन्य अपने मिशनरियों के साथ में मिलकर, जिससे हम बहुत ही आक्रोश में हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और इसी प्रकार मैं आपको एक बताता हूँ, एक महीने पहले एक बाड़मेर के अंदर एक गिरधर सिंह कड़ेला नाम का एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने एक वीडियो जारी किया था मीडिया के माध्यम से, बताया था
कि बाड़मेर जिले के अंदर SC ST के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आज मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि आप हमें बताइए, क्या जाति सूत्र शब्दों से हमें अपमानित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम थाने के अंदर रिपोर्ट देते हैं। क्या हम SC ST एक्ट का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? इस प्रकार यहाँ इस तरीके से आंदोलन करना, बार बार मीडिया में बयान देना, SC ST के ऊपर प्रेशर देना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्रशासन से जो मेरी अपील है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ठीक है।